असाना एडवांस कोर्स के लेक्चर 5 में मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह आप लोग टास्क अलाइन करोगे एंड उसे स्केड्यूल कैसे करोगे और फिर सब टास्क कैसे क्रिएट करोगे। आप फाइवर पे देख सकते हो कि एक सेलर ने इस तरह लिखा है एक पॉइंट के, मैं आपको टास्क अलाइनमेंट करके दूंगा, उसे स्केड्यूल करूंगा एंड लॉट्स ऑफ मोर। तो आप भी अपने प्रोफाइल में इस तरह लिख सकते हो अपने असाना की गिग में। जैसे ही आप एड टास्क पे क्लिक करोगे तो आपका न्यू टास्क क्रिएट होगा। जैसा कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे मार्केटिंग का टास्क क्रिएट करता हूँ। अब एंटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा टास्क क्रिएट हुआ है। अब सिंपली यहाँ से मैं असाइनी को असाइन कर सकता हूँ ये टास्क, और इस टास्क को मैं स्पेसिफिक डेट भी दे सकता हूँ। अब इसे सिंपली स्केड्यूलिंग कहते हैं। जब हम अपने टास्क को कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिल करते हैं तो इसे हम टास्क स्केड्यूलिंग कहते हैं। अब हम आते हैं कि हम टास्क अलाइनमेंट कैसे करेंगे। जैसे ही आप इस टास्क पर क्लिक करोगे तो आपको एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहां पे जैसे ही थोड़ा सा नीचे ड्रैग करोगे तो आप यहां पे छोटे छोटे टास्क ऐड करोगे जिसे हम सब टास्क कहते हैं। अब इस टास्क को जब आप क्रिएट करोगे और इसे अलाइन करोगे तो आपका जो ये सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पे मैं सिंपली 4 टास्क क्रिएट करता हूं। ये जो 4 सब टास्क मैंने क्रिएट किए हैं तो ये ऑटोमेटिकली अलाइन होंगे मेन टास्क के साथ। जैसा कि आप देख भी सकते हो मेन टास्क के साथ एरो का सेक्शन शो हो गया है। तो मैंने यहाँ पे सब टास्क लिखे हैं। अब यहाँ से आप इसे असाइन भी कर सकते हो और असाइन के साथ साथ इसे स्केड्यूल भी कर सकते हो। यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट आप अपने मर्जी या प्रोजेक्ट के हिसाब से करोगे सिंपली। एंड यहाँ पे जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपको ये मेन टास्क शो होता है। आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 4 टास्क अलाइन हुए हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये मेन टास्क के सब टास्क है। अब ऑटोमेटिकली ये अलाइन होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसी तरह आप इन्हीं सब टास्क को भी स्केड्यूल कर सकते हो और स्केड्यूल के साथ साथ आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि ये कितना आसान है। सिंपली यहाँ पे मार्क एज रीड और माइलस्टोन को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अप्रूवल मार्क एज अप्रूवल पे भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा या आपको क्लाइंट कहेगा कि मेरा ये प्रोजेक्ट टास्क अप्रूव करो, ये कंप्लीट हुआ है। तो इसके साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।